ऊपर चलिए ऊपर ऊपर। देखिए आज हमने स्मार्ट सिटी ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 से लेके 2023 तक तकरीबन 50,000 लोग जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरे शहरों में देश के हर शहर के अंदर ये स्कीम बन के तैयार है, कई शहरों के अंदर गरीबों को ये घर दिए जा चुके हैं। महज हमारा एक औरंगाबाद शहर है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की ओछी राजनीति के चलते हुए आज हमने इन घरों को बनाने के लिए ज़मीन तक आइडेंटिफाई नहीं की गई है। तो इसलिए हमने आज कुछ गरीबों को बुलाए थे, कुछ ज़रूरतमंदों को बुलाए थे जो पिछले 8 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुझे मेरा घर देंगे। तो हम उन्हें ये जो मिट्टी के घर बनाए गए हैं ये घर आज उन्हें दे रहे थे और उन्हें ये समझा रहे थे कि मोदी जी ने आपको जो बोला था कि आपके सपने का घर 31 मार्च 2022 तक मिल जाएगा, तो उनका बोलने का मकसद ये था कि आपके सपनों का घर जो है वो मैं आपको सपनों में ही ला के दूंगा, हकीकत में आपको वो घर नहीं मिलने वाला है करके। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इन गरीबों का मजाक उड़ाया है और मोदी जी ने साफ झूठ बोला है, खास तौर से हमारे ज़िले के उन गरीबों को जो इस उम्मीद के ऊपर थे कि मेरा भी अपना एक पक्का घर होगा। हमने यहाँ पर मोदी जी के वो भाषण भी लोगों को सुनाए जहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि सिर्फ घर ही नहीं होगा, घर में नल भी होगा, नल में जल भी होगा और क्या क्या होगा पता नहीं है। तो ये सपने एक ख्वाब दिखाए थे, ये आज कार्यक्रम हमने आमखास मैदान पे लेने का मकसद ये था कि इसके पीछे स्मार्ट सिटी की बिल्डिंग नज़र आती है। मोदी जी ने हमारे लिए और ख़ुद के बैठने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग और उसके अतराफ में वाटर फाउंटेन्स, गार्डन्स ये वो पूरे बना दिए हैं। ये गरीबों का क्या होगा जो आपकी तरफ फुकफुकी लगाए हुए हैं। आज रहमतों की बारिश आज शुरू हुई है, इंशाल्लाह हमारी मेहनत रहेगी, ये बारिश के साथ साथ गरीबों को घर भी हम दिलाएंगे इसमें। और ये भले ही आज बारिश की वजह से ये कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग इस कार्यक्रम को शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर लेकर जाएंगे, अलग अलग जगहों के ऊपर ले जाकर बताएंगे कि उनका भाषण क्या कहता है और उनके स्थानिक नेता यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं तो कोई कहता है कि ठेका उसको मिलना चाहिए, दूसरा कहता है कि ठेका इसको मिलना चाहिए और उसके चक्कर के अंदर मामला ईडी तक चले गया है। गरीब लोग अब भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस आंदोलन को हम उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये घरों का काम शुरू नहीं होता है। 30 मई से 30 जून तक 9 साल का जश्न मना के अलग अलग लोगों के सामने लेकर जा रहे, उसमें देखिए सच्चाई क्या है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका भाषण कुछ और कहता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और कहती है। आप ये तो कहेंगे कि हमने इतने हज़ार घर औरंगाबाद के लिए हमने सैंक्शन कर डाले, बताओ किस गरीब को इस ज़िले के अंदर एक घर भी मिला है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना का जब ज़मीन ही नहीं मिली है तो घर कहाँ से मिलेगा? तो मेरा यही कहना है कि 9 साल में हमारी उपलब्धियाँ क्या है, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है 9 साल की वो ये है कि आपने देश को तोड़ने का काम किया है, समाजों के बीच में दरार और दीवारें पैदा करने का काम किया है। आप कभी औरंगजेब का मुद्दा निकाल रहे हैं, कभी टीपू सुल्तान का मुद्दा निकाल रहे हैं, कभी संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। तो ठीक है, आप 9 साल का अपना हिसाब दे रहे हैं, मैं तो चाहूँगा और 9 महीने बचे हुए हैं, ये 9 महीने में जितना घूम सकते हैं आप घूम लीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी आपके हुकूमत के आखिरी 9 महीने बचे हुए हैं। तो ये 9 महीनों में जितना आप और झूठ बोल सकते हैं बोलते रहिएगा, लेकिन हम गरीबों के लिए खड़े हुए हैं और ये आंदोलन हमारा जो है जब तक गरीबों को घर नहीं मिलेगा हम इसी तरह से आगे हम बढ़ाते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए जितने लोगों ने मेहनत की है, खासतौर से प्रांतोष वाकनारे हो, असरार भाई हो, वाजिद भाई हो, ये सभी लोग और हमारे जो राहुल अंबिका साहब खास तौर से आए थे और यहाँ पर वो कुछ ऐसे गीत प्रस्तुत करने वाले थे कि जिसके जरिए आज के इस दौर की हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, वो लोगों को बताने वाले थे।
तो हमारा मकसद यही है कि हमने आज शुरुआत की तो डर और खौफ इतना हो गया है कि सोमवार के दिन ही स्मार्ट सिटी ऑफिस में प्रधानमंत्री आवास योजना की मीटिंग का लेटर अभी हमारे पास आ चुका है कि हम इसके ताल्लुक से सोमवार के दिन मंडे के दिन है तो इसकी मीटिंग हम लेने वाले हैं। साहब आए ये मैं इससे पहले ये आंदोलन का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है, आप क्या बताएंगे? देखिए आपके भाषण है और आपने अपने भाषण के अंदर कहा है, मैंने नहीं कहा, इन्होंने अपने भाषण के अंदर कहा था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम हर बेघर को इस देश के अंदर एक पक्का घर देंगे, तो ये सफेद झूठ आपने कहा। और इनका साथ देने के लिए ये जो अंधभक्त है इनमें से ये साथ है जो पालक मंत्री है हमारे हमेशा ये हमारे केंद्रीय के मंत्री है, ये काम मेरा नहीं है, ये इनका काम है क्योंकि इनकी पार्टी के ये वजीर आजम मेरे भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के हैसियत से इनकी जिम्मेदारी है। करार साहब का है, करार साहब फट गए, करार साहब फट गए बारिश में, असल में तो मैं उनको ला नहीं सका, आंदोलन के अंदर जुड़े हुए करार साहब को मैं लेके आऊंगा। मकसद मेरा यही है साहब ये सत्ता रूढ़ भी आ गई। मेरा ये कहना है कि इतने सारे मंत्री आज है हमारे शहर के अंदर, इतने सारे मंत्री, इसके बावजूद भी क्या वजह है कि गरीबों को घर नहीं दे पा रहे हैं? और वजीर आजम आपसे दरखास्त है, बहुत हो चुका है, अब आप मेहरबानी करके या तो गरीबों को घर दिलाइएगा या आपका वो कहिएगा कि वो जो भाषण मैंने दिया था वो झूठ था करके। तो ये जितने भी मंत्रियां हैं इनको सबको साथ में लेकर जाएंगे और शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर हम जाके हम ये आंदोलन को और तेज करेंगे जब तक गरीबों को घर नहीं मिलेगा। पालक मंत्री साहब थोड़ा मुस्कुराइए, आप ये जो है ये गरीबों को जो दिए हैं आपने ये गरीबों को लॉलीपॉप देने का जो काम किया गया है, देखिए मजाक करने की बात नहीं है लेकिन मैं आपको हकीकत में ये बताता हूँ कि वो 50,000 लोग जो गरीब लोग हैं जो आज 2015 से इंतजार कर रहे हैं कि मुझे एक घर मिलने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, इन्होंने बोले हैं कि मैं देने वाला हूं घर, और पिछले साल ही मिलना चाहिए था उनके वादे के हिसाब से कि 31 मार्च 2022 तक हर बेघर को घर दूंगा, यहां पर एक भी ऐसा आदमी नहीं रहेगा जिसके सर के ऊपर पक्की छत नहीं रहेगी। 50,000 लोग हमारे गरीब हमारे जिले के, और कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कल के दिन उद्घाटन के लिए बुला दीजिएगा तो साहब चले जाएंगे, कल के दिन बुला लीजिएगा तो साहब मौजूद हो जाएंगे, तो इनके पास उसके लिए वक्त है, अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए वक्त है। अब अगर ये जल्दी से कार्रवाई शुरू नहीं होती है तो औरंगाबाद के हर मोहल्ले के अंदर ये सबको लेकर जाएंगे। आप चलिए मेरे साथ, साथ में जाके हमारा जब 20,000 करोड़ रुपए की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग, बाहर गार्डन होना, वाटर वो होना, फाउंटेन होना, ये सब के लिए साहब ने पूरे पुजारियों को लेकर गए। हम चाहते हैं कि आप भी आए, उसका उद्घाटन आप ही के हाथ से करें और इनको भी लेकर आए साथ में, लेकिन कम से कम गरीबों को घर दे दे, हमारी यही साइश है, हमारी यही मांगनी है। बस जाते जाते मैं कुछ कहूँ, उससे बेहतर ये है कि आप इसको संभाल करेंगे अपने अंदाज में। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज कि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कुदरत ने एक सलामी दी है बारिश के तौर पर
और इस बारिश का इस सलामी का हम इस्तकबाल करते हैं। मैं छोटा सा गायक हूँ, लेकिन मैं चार मिसरे पहुँचा रहा हूँ मैं लहंगा कि डर डर के कोई लम्हा गुजारा ना जाएगा। आज देश के अंदर दलित और मुसलमानों को डराया जा रहा है। मेरी मोदी जी से अपील है कि डर डर के कोई लम्हा गुजारा ना जाएगा और हमको किसी भी जंग में मारा ना जाएगा। एक पल की वफादारी 24 में दिखाओ, क्योंकि कातिल कोई संसद में दोबारा ना जाएगा, कातिल कोई संसद में दोबारा ना जाएगा। एक बंद मुलायजा हो। जब जुल्म की आंधी बढ़ती है, मैं खासदार साहब का सांसद जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जब जो गरीबों के मसलों पर ज्यादा रात और दिन मेहनत करते हैं, ध्यान देते हैं, जब जुल्म की आंधी बढ़ती है और जिन जिनको भी मस्ती चलती है, ओ मगरूरों को सबक सिखाने, उनकी सही औकात दिखाने, ये बात समझनी पड़ती है। अरे सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी ही पड़ती है। क्यों बदलनी पड़ती है आप बोलो मेरे पीछे, जिनको सरकार बदलना है। और इस देश के अंदर शाहू फुले अंबेडकर अल्लाह रसूल को मानने वाले लोगों की, समतावादी विचारधारा वाले लोगों की सरकार जिन जिन को लाना है, वो मेरे पीछे कहेगा कि सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी पड़ती है, सरकार बदलनी पड़ती है। और आज हम कसम खाते हैं सभी जाति धर्म के लोग, क्योंकि यहाँ सिर्फ मुस्लिम भी नहीं, या जय भीम वाले, मैं खुद जय भीम वाला इंसान हूँ, या जय भीम वाले, जय भीम वाले दोनों मिलकर 35-35-70 करोड़ बनते हैं। आने वाले 24 में मोदी को नीचे घटाकर जय भीम और जय भीम वाला भारत का राजा बनाएंगे और झोपड़ियों का सपना पूरा करेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, घर दे दो ना, क्या सरकार ने काम करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने किया था, कांग्रेस वालों ने किया था, कांग्रेस वालों मैंने मन में ठान ली है अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। 2022 है ना, आज से 3-4 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होने वाले हैं। गोविंद गुरु जैसे महापुरुषों ने इसी बारिश में दिए सामने घर देख करके बलिदान दिए थे, उस आजादी के 75 साल और मैंने घट लिया है, संकल्प किया है कि 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। और खड़ी कर दी प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार है तो पक्का घर, पक्की सड़क, एलईडी बल्ब, ऐसा पक्का पूरा घर ये मेरा सपना है। थोड़ा अंदर में जाओ, थोड़ा अंदर में जाओ।
I'm going to go to the hospital.